सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नारायण नमोस्तुते।
मयूरकुक्कुटभृत महाशक्तिधर नख कौमारी रूप संस्थान नारायणी नमोस्तुते शंखचक्र गदा शंख गृहीत परमायुध प्रसीद वैश्ववीरूप नारायणी नमोस्तुते गृहीताग्र महाचक्र दशरथ वराहरूपिणि शिव नारायणि नमोस्तुते नृसिंहरूपेणाग्रेण हन्तुं दैत्याङ्गजाद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहित नारायणि नमोस्तुते किरीटिणि महावज्रसहस्रनयनोज्ज्वले धृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवदूते स्वरूपेण महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीराज्य महाविद्ये शब्दे भूषे सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूते भ्रमितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एकक्तेवलनं सौम्यं लोचनात्रयभूषितं पातु नः सर्वभेदेभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीते भद्रकाली नमोस्तुते हिनसि दैत्यतेजांसि स्वमेनापूरया जगत् सा घण्टा मातु नो देवि पाप्यभ्यो नः सुधानिव असुरासिर्वसा पङ्का चर्चितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नदा वयम् रोगानशेषानपहांसि दुष्टा दृष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् स्वामाश्रितानां न विपाणनानां स्वामाश्रितायाशयतां प्रयान्ति एताकृतं या करणां त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुरानां रूपेरणे चैर्बहुदात्ममूर्तिम् कृत्वाम्बिकेतत्करोति कान्यां विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु तका त्वदन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्ते तदतीव विश्वम् रक्षासि यत्र प्रविशाश्च नागा यत्रारयोदासुरबलानि यत्र गावानरो यात्र तथाभिमध्ये तत्रास्ति तत्त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयते विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाय त्वयि भक्तिनम्राः देवे प्रसीद परिपालयणोभेत नित्यं यथा सुरवधा पापानि सर्वजगतां प्रशमनयाशु उत्पादपाकयनिताश्च महापसर्गान् प्रसादां प्रसीद त्वं देवि विश्वातिहारिणि
त्रिलोकवासिना लोकाना बलदा भव देव्यो वाच वरदाहं स्वर्गणा वरं जनच्छत कामलद्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकम् देवाचो सर्वभागा प्रशमनं त्रैलोक्यसखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्यो वाच वैभक्तोऽन्तरे प्राप्त अष्टाविंशति मे युगे शुम्भान् शुम्भ चैवाना भक्तस्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा तदसो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यदिनात्रेण रूपेणाभितले अवतीर्यष्यामि व्यप्रचित्ता सुदानवान् भक्ष्यन्द्राशुदानुग्रान् व्यप्रचित्तान् महासुरान् रक्तानन्दा भविष्यन्ति दारिमे कुसुमापमा ततो मा देवता स्वर्गे मत्स्य लोके च मानवा सुवन्दो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूय च शर्वाशक्या मना भृष्ट्वा मनं वसे मुनिभिसंस्तुता भूमौ सम्यविष्यामि यो निजा तथा शलेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुने कीर्तयिष्यन्ति मनुजः सदा क्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवे करिष्यामि सुराशाकैरावृष्टै प्राणधारकैः शाकम्भरेति विख्यातं तदा यासामहं भुवि तत्रैव गवदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यथा भीमौ रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि भक्षयिष्यामि मुनीनां दानकारणा कदा मा मुनिया सर्वे दोषं ध्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा नाख्यस्त्रैलोके महाभागं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्घे षट्पदं त्रैलोक्यसहितासाय भरिष्यामि महासुरम् ब्राह्मरे तेजमालोका सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवता भविष्यति तदा तदावधेयाहं करिष्यामि संक्षयाम् ॐ इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यार्थी का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम विद्युत्काम सम प्रभा मृगपते स्कन्धस्थितामेशनाम् कन्या विकरवालकेदविलस हस्ताभिलासेवितां हस्ते चक्रगदाधिकेदविशिकाश चापगुणरजने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्युवाच देवी समे शमानित्यं दोषदयः समाहितः
तत्साम सलावादाम नाशेश्याम संशयम मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् एतयश्चन्द्रियतव्यबलं शुम्बन शुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च गचेतसः शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहत्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतज्ञं च दुष्कृतोता न चापलः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैषम्ययोजनम् शत्रुतो न भयं दस्य दस्यतो वा न राजतः न शक्ता न लतो योगा कदाचित् सम्भविष्यति कस्मान्महेतन्माहात्यमरेतव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं सत्ययनमितान् उपसर्गान् शेषासु महामारे समद्भवान् कदात्रिवलमुत्पादमाहात्म्यं शमयेन्मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम कदा न तद्य मोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् वै प्रदाने पूजायामग्निकाय महासरे सर्वमैतच्चरितम् उच्चार्यं शाप्यमेव च जानता जानता वापि बले पूजां तदा कृताम् प्रदीक्षिष्यामहं दिव्या वह्निहोमं तदा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिके कस्यामैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाभागाभिनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यामत्प्रसादेन भविष्यते न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्त्या शुभाः पराक्रमं च यद्देशो जायते निर्मया पुमान् निर्मः संशयं जाते कल्याणं च अवबध्यते नन्दते च कुलम्बो समाहात्म्यं मम शर्वदाम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र ददातु सप्रदर्शने गृहपीडासु शोकासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं यान्ते गृहपीडासु दारुणाः दुःसगुणं च निर्दृष्टं सुसपदमुपजायते बालकाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदचरिणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं वरम् रक्षाभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्यधूपे च गन्धदेवे सतोत्तमे विप्राणां भोजने होमे पोक्षणे अहर्निशम् अन्यश्चाभिविदे भोगे प्रदाने दस्सरेणया प्रीति मे क्रियते सासन् सकृशोचरदेशते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छते रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु चरतं जन्म दोषदत्तन्यवाहणम् अस्मेक्षुत वैरिकृतं वयं पुंसां न जायते युष्मापि सुतयो याच याच ब्रह्मशिः कृताः ब्रह्मणा च कृतासु प्रयच्छन्ते शुभामतिम् अरण्ये प्रातरे वापि दावाने परिवारितः कस्वीरावृताशूने गृहेतो वापशत्रुभिः सिंहराज्ञानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाजप्त्या बध्य मन्दगतापि वा आघूर्णितो वा वाचेन सिता पोदे महानवे तदस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे दृशदारुणे सर्वाभागासु घोरासु वेदना व्यथितोऽपि वा श्रमान्मे तच्चरितं नरमुच्चेद सङ्करात् मम प्रभावासिंहराजादस्य भो वैर्णस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मस्तच्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रम
पश्यतामेव देवानां तत्र वान्तरधीयत देवि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारण्यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविनिहतादयः दैत्या च देव्या निहते शुम्भदेवरिपायुधे जगद्विध्वंसनेतस्मै महाक्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययोः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगदः परिपालनम् तैरन्मोयते विश्वं सर्व विश्वं प्रसूयते चाजायिता च विज्ञानं तुष्टा नित्यं प्रयच्छति व्याप्तं तरेत सकलं ब्रह्माण्डमजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे स्वरूपया सेवकाले महामारे सेवश्रेष्ठभवत्रया सिद्धिङ्करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मी वृद्धिर्दाग्रहे सेवाभावे तदा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्भूजिता पुष्पे धूमगन्धादिभिस्तदा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम् ॐ अथ शुद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिव उवाच शिवो देवे प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका सत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डे जापः शुभो भवेत् नाकवचं नागला स्तोत्रं कीलकं नारहस्यकं न सूतं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनं कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिगुह्यतरं देवे देवानामपि दुर्लभम् कोपमेयं प्रयत्नेन स्वयनेरिव पार्वते मारणं मोहनं वर्षं सम्बलोच्चारणादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका सत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च ॐ गों क्लीं जुं स्वाहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्च ज्वलहं सङ्गं छं वत् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण नमस्ते मधुमर्दने नमस्ते नवारिण्य नमस्ते महिषादने नमस्ते शुम्भान्ध्र जन शुम्भासुरघातने जागृतये महादेवे यमं सिद्धं कुरुष्वमे एकारे सृष्टिरूपाय ऋकारे प्रतिपालिका क्लीकारे कामरूपेण बीजरूपेण मासुते चामुण्डा चण्डघाते च जयकारे वरदायने विच्च च भयदा नित्यं नमस्ते मन्दरूपणे ॐ ह्रीं धूं धुर्यते पत्ने वां ह्रीं भूं वागधेश्वरे क्रां क्रीं क्रों कालिका देवे श्रां श्रीं सोमे शुभं करो हुं हुं हुंकाररूपेण जं 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 जम्भनादने भ्रां ह्रीं भ्रों भैरवे भद्र भवनेते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पं शं बिन्दुं विंहंशं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय एतं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं ॐ पार्वतीपो ॐ ह्रीं ॐ केचरे तथा सां श्रीं सों सप्तशरे देव्या मन्त्रसिद्धिं करिष्यमे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रयागर्तिः तव अभक्तेनैव दातव्यं गोपिदं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतिं पठेत्
नाथस्य जायते सिद्धिः परं निरोधनं यथा। ॐ श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेदव्यास द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शरणार्थे नमस्ते जगद्व्यापि देवेश्वरूपे नमस्ते जगदण्डपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारनेत्राय दुर्गे नमस्ते जगते Oh.
प्रसीद श्री भगवती स्तोत्र जय भगवती देवी Thank you.
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार रक्षक का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरण भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओम का रक्षक नाद कीजिएगा।
ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां जोतां वाली माता तेरी, जयकारा शेरां वाली जीदा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। अभी आपने जिन पदों में स्तोत्रों का पाठ किया है, इन्हीं में अपने महात्म को प्रकट करते हुए माता जी कहा हुआ है कि श्रुत्वा ममेतन महात्म्यम तथा चोत्पत्या शुभ पराक्रम युद्धे चु जायते निर्भय अपमान। माता जी कह रहे हैं कि मेरे इस महात्म्य मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। ऋभवः संख्यम जानति कल्याणम चोपबद्धते नंदते च कुलम पुंसाम महात्म मम शृणुताम। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनंदित रहता है। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म शून्यम। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा मात्र श्रवण करना चाहिए। इससे उपसर्गा शमम जानती ग्रह पीड़ा च दारुणा दुःस्वप्नम च निवृष्टम सुस्वप्नम जायते। सब विघ्नता भयंकर ग्रह पीड़ाएं इससे शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। विशेष रूप से बाल ग्रह विभूतानां बालानां शांति कारकम संघात भेदेशिनां मैत्रीकरणम उत्तमम। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर ये अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। सर्वमवेतन महात्म्यम सन्निधि कारकम पशु पुष्पार्क धूपेश गंध दीपे स्तुतोत्तमेय। इस प्रकार मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने के लिए पशु पुष्प अर्घ धूप इत्यादि से मेरी पूजा करनी चाहिए। इससे सभी विघ्न बाधाएं शांत हो जाती हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय कारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी हम भक्तों पर कोई आपत्ति काल आन पड़ी है अथवा हमारी कोई मनोकामना पूर्ण रही है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने हमारी सहायता नहीं की है तो हमने अंत में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने हमारी स्तुतियों द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन दे करके अथवा किसी न किसी माध्यम से संबोधित करके हमारे सभी प्रकार के कष्टों को दूर किया है, हमारी मनोकामना को पूर्ण किया है, भले ही इसमें हम भक्तजन हों, देवगण हों अथवा अवतार हों। आप जानते हैं कि जब वसुदेव जी देवकी के साथ विवाह करके मथुरा को जा रहे थे और चचेरा भाई कंस दोनों को रथ में बिठा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको विदा कर रहा था, तभी ये आकाशवाणी हुई थी कि कंस जिस बहन को तू बड़ी प्रसन्नता के साथ विदा कर रहा है उसी का आत्मा गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा वध करेगा। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने झट से म्यान से तलवार बाहर निकाली थी और वो देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया था कि देवकी नहीं रहेगी तो इसके पुत्र कैसे होंगे। परंतु वसुदेव जी ने समझाया कि स्त्री का वध करना शास्त्र सम्मत नहीं है, आपको तो इसके पुत्रों से भय है, इसके द्वारा जो भी पुत्र उत्पन्न होगा मैं आपकी भेंट कर दिया करूंगा। कंस ने म्यान में तलवार रख ली और दोनों को रथ में बिठा करके मथुरा ले जा करके
उनको कारागार में डाल दिया, उनके दोनों हाथों पैरों में वेड़ियां डाल दी और समय अनुसार उनके जो भी पुत्र होता था वसुदेव जी कंस को दे देते थे और कंस उसको पत्थर पर पटक करके उसका वध कर देता था। इस प्रकार बारी बारी कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, जिससे दोनों दुखी रहते थे, शोकग्रस्त रहते थे। एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुल को पुरोहित गर्गाचार्य जी को कारागार में चुपके से बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज, कंस ने हमारे 6 पुत्रों का वध कर दिया है, इसलिए हमें कोई ऐसा जप पूजा पाठ दान बताइए जिसके द्वारा हमारे घर में आयुष्मान पुत्र उत्पन्न हो। उस समय गर्गाचार्य कह रहे हैं कि महाराज, इसके लिए आप सभी भक्तों का कल्याण करने वाली, सभी दुर्गतियों का नाश करने वाली दुर्गा माता जी की समाराधना करो, वे प्रसन्न होने पर भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। परंतु वसुदेव जी कह रहे हैं कि महाराज, आपके द्वारा बताई गई मैं इस समाराधना को करने में, दुर्गा माता की आराधना करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं कंस के कारागार में हूँ और हमारे हाथों पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। इसलिए यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, आप ही हमारे लिए उन दुर्गा माता जी की आराधना कर दो। तब प्रसन्न चित्त होकर के गर्गाचार्य कहा कि मैं अवश्य आपके लिए दुर्गा माता की आराधना करूंगा। तब वो ब्राह्मणों को लेकर के वन में गए और वहां पर उन्होंने दुर्गा माता की आराधना करना प्रारंभ किया। धूप पुष्प हवन इत्यादि द्वारा, दुर्गा सप्तिया पाठ निवारण मंत्र द्वारा वो पूर्णतया माता जी को प्रसन्न करने के लिए तत्पर हो गए। तब जब उनकी आराधना पूर्ण हुई, आकाशवाणी हुई कि गर्गाचार्य जी, मैं आपकी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ, अभी मेरी ही प्रेरणा से भगवान विष्णु अपने अंश से जो पापियों का संहार करने के लिए, धर्म पुरुषों का उद्धार करने के लिए जन्म लेंगे, और वसुदेव जी कंस के भय से उसको टोकरे में डाल करके गोकुल ले जाएंगे और मेरे अंश से उत्पन्न हुई यशोदा के गर्भ से जो कन्या है उसको ले आ करके कंस को देंगे, और कंस जैसे ही उसको पृथ्वी पर पत्थर पर पटकने लगेगा, उसके हाथों से छूट करके 18 बजे रूप धारण करके वो आकाश में प्रकट होगी और कहेगी, अहम ही वैष्टि माया तस्यामेव जगत गुरु, मैं उस जगत गुरु की वैष्टि माया हूँ, कंस तेरे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। और तब वो बिंद परवा निवास करेंगी और धर्म पुरुष का उद्धार करेंगी, पापियों का सहार करेंगी। ऐसी आकाशवाणी को सुन करके गर्गाचारी प्रसन्न हुए और सारा वृत्तांत उन्होंने आकर के वसुदेव जी को बता दिया, जिससे वसुदेव जी प्रसन्न हुए। और आप जानते हैं कि माता जी के आशीर्वाद से कृष्णस्तु स्वयं भगवाना, स्वयं भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। इसलिए हमको भी चाहिए, जिन माताओं बहनों के संतान नहीं हैं, उनको दुर्गा माता की समाराधना अवश्य करनी चाहिए। विशेष रूप से नवरात्रों में श्रीमद देवी भागवत का पाठ करना चाहिए, उसमें स्वयं माता ने कहा हुआ है कि काक बंध्या बंध्या मित वत्सा अपुत्री, कोई भी हो उसको दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जभी हम भक्तों पर कोई आपत्ति का आलान पड़ा है अथवा हमारी कोई मनोकामना पूर्ण रही है और उस समय किसी विशेष देवता ने जब हमारी सहायता नहीं की है, तो अंत में हमने इन्हीं अनंत कोटी ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और माता जी ने प्रसन्न होकर के हमारी सभी मनोकामना को पूर्ण किया है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदिकाल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार प्राकृत रूप से विराजमान गणपति जी महाराज, सूरज चंद्रमा बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिव में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चारण से धन राशि मिलता है, क्लीं के चारण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण बारह चरण बैठे हुए हम सभी भक्ति अंतिम बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा देविचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता जी प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वर रहस सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्त उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से, अपनी मधुर वेण प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शेरावाली दल बोल सच्चे दरबार की जय। जग रूठे पर मुझसे मेरी मां ना रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी मां छूटे और जीऊं जब तक माँ तेरा तजबा
तेरा दरबार ना छूटे। माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे। वो जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे। और जियो मैं जब तक माँ तेरा दरबार ना छूटे। तुम्हें ही पाता हूँ उस वक्त ही अपने पास खड़ा तुम्हें ही पाता हूँ उस वक्त भी अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ उस वक्त ही अपने पास खड़ा मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ मेरी मैया तुम्हें ही पाता हूँ तार ना टूटे तुझसे जुड़ी जो तार कभी वो तार ना टूटे और जियूं मैं जब तक मां तेरा दरबार ना छूटे और जियूं मैं जब तक मां तेरा दरबार ना छूटे आ जग रूठे पर मुझसे मेरी मां ना रूठे पर मुझे मेरी माँ रूठे माँ जब रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे हो जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे और जियूं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे तेरा एक प्यार मिले हर हाल में मैं खुश रह लूंगा तेरा एक प्यार मिले
मैया तेरा एक प्यार मिले हाल में मैं खुश रहूं जर मैया तेरा एक प्यार मिले जर मैया तेरा एक प्यार मिले माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे ओ माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे किस्मत वाला लुटे ओ माँ के नाम की मस्ती किस्मत वाला लुटे और जियों में जब तक माँ तेरा तजबा न छूटे और जियों में जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे माँ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ ना रूठे मेरी माँ न रोटे ओ जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रोटे और जियों में जब तक माँ तेरा दरबा न छूटे और जियों में जब तक माँ तेरा दरबा न छूटे और जियों में जब तक माँ तेरा दरबा न छूटे और जियों में जब तक माँ जयकारा शेरावाली जो सच्चे दरबार की जय एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जयकारा मेरी शेरावाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय तू दाती दाता वंडे तेरे चरनी खड़ा सवाली खाली सामा मैं लेके आया नीमा मेरा अज भी पलड़ा खाली नीमा मेरा अज भी पलड़ा खाली शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली ममता की करी इस बचड़े के ममता की करी इस बचड़े के तेरे दरिया माया के सिर नु चुका मे प्यार दाती कोई न की नाराई के तेरा ही सहारा मन पवना से रख सेवादार दाती पवना से रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते ममता दी करी इस बचड़े ते तेरे दरिया आगे सिर नु जोता माँ दे प्यार दाती है कोई न की नाराई तेरा ही सहारा मनु पवना से रख सेवादार दाती पवना से रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी से बचड़ दे दातिये मनाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना दातिये मनाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे
छुटकारा लगे पर जाती कोई लगी नाराई के तेरा ही सहारा मैं सब तेरा कैसे वादार जाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी से बचड़े ते छां ममता दी करी से बचड़े ते छां तेरे दरियावां आके तेरे नु चुकावां दे दे प्यार दाती नच रख कर देवी उपकार मां अख चो नहंजू आवे ना देवी प्यार मां नहंजू आवे ना देवी प्यार मां अख चो नहंजू आवे ना देवी प्यार मां पवनच रख कर देवी उपकार मां अख चो नहंजू आवे ना देवी प्यार मां अख चो नहंजू आवे जग देख लिया सारा माए देखना नजारा ले जा द्वार दाती है कोई न की न रही तेरा ही सहारा मैं कबड़ा तेरा कैसे वादार दाती है शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बच्चे ते ममता दी करी इस बच्चे ते हो तेरे दरियावां आके सिर नु चुकावां दे दे प्यार दाती है कोई नदी न रही चरनी प्रीता पाया सचिया कर दे उड़ी कमाए थक गया अखिया कर दे उड़ी कमाए थक गया अखिया कर दे उड़ी कमाए थक गया अखिया अस तेरे चरनी प्रीता पाया सचिया कर दे उड़ी कमाए थक गया अखिया कर दे उड़ी खुद दे प्यार दा हुनरा तेरा लाल मैं प्यारा ना विसार दाती है कोई नंगी नाराई के तेरा ही सहारा मैं भवना तेरा कैसे वादार दाती है भवना तेरा कैसे वादार दाती है शेरा वाली ममतादी करी से बचड़े ते छां ममतादी करी से बचड़े ते छां हो तेरे दरिया माया के सिर नु चुकावां दे दे प्यार दाती है कोई लगी न रही को तेरा ही सहारा मैं कबड़ा के रख से वादार दाती है कबड़ा के रख से वादार दाती है कबड़ा के रख से वादार दाती है कबड़ा के रख से वादार दाती है
दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो भक्तो जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो माता दी बोलो भक्तो जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो भक्तो जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो सारे जय माता दी बोलो जय करा मेरी शेरावली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय एक ध्यान प्रस्तुत कर रहे हैं यशपाल जय करा शिरमन दा बोल सच्चे दरबार की जय तेरे दर दर भजे मल्लेरी बा शेरावाली तेरे दर दर भजे मल्लेरी बा शेरावाली तू आप सुने रे कल्ले नी मां मेहरावाली तू आप सुने रे कल्ले नी मां मेहरावाली कल्ले नी मां मेरा वाली तो आप सुने रे कल्ले नी मां मेरा वाली तू आप सुने रे कल्ले नी मां मेरा वाली तेरे दर दर बजे मल्ले नी बाजे रावण बजे रावण तेरे दर दर बजे मल्ले नी बाजे रावण बजे रावण सदरा अधूरिया प्यासे अरमाने दिल बिच उठ दे तूफान तेरे आ गया कल्ले नी मां मेहरा बारी तू आप सुने रे कल्ले नी मां मेहरा बारी तू आप सुने रे कल्ले
शेरा वाली तेरे दर दर बजे मल्ले नी माजे नमा शेरा वाली नैना बिच नूर तेरा हृदय च वासमा चरना दे बिच मेरी एहो अरदास रहना है कि जाना है चल मेरे नाल
आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। अब सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुदीथ जज्ञेहि कृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जडमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ।
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर भी आरती लिखी हुई है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद ओम जय अम्बे गौरी संतन काल विराज
परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, फल मिले बोलो जय माता दी, आवे वेला जय माता दी, संध्या वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बनी जय माता दी, सचमु दानी जय माता दी, मेरा करनी जय माता दी, डोलिया बनी जय माता दी, घरे सजानी जय माता दी, सोला आने जय माता दी, गोदा बनी जय माता दी, वीर बनी जय माता दी, लाल बनी जय माता दी, पानी सुनिया जय माता दी, उसकी बोलो जय माता दी, हाथ भी बोलो जय माता दी, ताली बजाते जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, तोलिया वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, चूड़िया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, मंदा वाली जय माता दी, कन्या वाली जय माता दी, अभी सभी भक्तियाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो रहि, यशो देहि दिशो रहि, सर्वमंगल मंगल्ये, सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदरणे, तृतीय स्मरण शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंद ही आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया दुखहर चौसठ घड़ी जो चरणा का ध्यान जय Oh,
चक्रेशु शापूलंब शून्यं शराशाभूषाताशतिमाशभागे महाकालिकामस्तु लक्ष्मी सरोज घंटा शूल चक्रम धनुषाक ौरी देह समुद्र भूता महास्वती मनुभजे शुंभादने माता बंदो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवरुणं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे हरे मुरारे मधुमेहारे गोविंद गोपाल मधुम किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि वरदं मौतये हे माई मेरी सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदाई पंच फुला रानी माता तेरी सदाई सर्व सदा भला करने वाली माता तेरी सदाई सारे संसार विश्राम देने वाली माता तेरी सदाई लोंगड़ा भीर डागुर तेरी सदाई बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का विश्व का भारत वर्ष बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्री शक्ति सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा मां शेरावाली दा बोलो आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय माता जी।